दोस्तों, मेंटर बनते ही महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया का गमन चकनाचूर करने के लिए खतरनाक और घातक गेंदबाजों का ऐलान करके रिकी पोंटिंग का भी दिमाग खराब कर दिया। दोस्तों, WTC फाइनल में एकमात्र टेस्ट मुकाबले के लिए BCCI ने मिस्टर कूल यानी कि MS धोनी को मेंटर बनाया है। दोस्तों, WTC फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार जगह बनाई है। जहां भारतीय टीम टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे स्थान पर है। इससे पहले भारतीय टीम ने WTC फाइनल में जगह बनाई थी, जहां न्यूजीलैंड की टीम के यहाँ तो भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, ये टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के ओवल मैदान पर 7 से 11 जून के बीच खेला जाएगा, जिसमें मेंटर बनाए गए महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के कंगारू के खिलाफ बॉलिंग लाइनअप्स का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर हम इस पूरी वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा आप भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम WTC की ट्रॉफी अपने नाम करे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तेज गेंदबाजों की, तो मोहम्मद शमी सबसे घातक गेंदबाज माने जाते हैं, जिन्होंने हाल ही में IPL में 28 विकेट चटकाकर पर्पल कैप को अपने नाम किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घातक साबित हो सकते हैं। जो टीम इंडिया के ट्रम्प कार्ड गेंदबाज माने जाते हैं, जिनके सामने कंगारू घुटने टेकते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद शमी भारतीय टीम के नंबर 1 विकेट टेकर गेंदबाज हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में ओवल की पिच पर घातक साबित हो सकते हैं। अगर बात की जाए इनके रिकॉर्ड की, तो दोस्तों मोहम्मद शमी 63 टेस्ट मुकाबले खेलकर 225 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और मोहम्मद शमी भारतीय टीम के लिए गेम चेंजर खिलाड़ी होंगे। जबकि दोस्तों दूसरे घातक गेंदबाज का नाम है मोहम्मद सिराज, जिन्हें WTC फाइनल में जगह मिली है, जिन्होंने टोटल जसप्रीत बुमराह की कमी को पूरा किया है। मोहम्मद सिराज IPL के अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी घातक गेंदबाजी से सभी को हैरान कर चुके हैं, जो अब तक 18 टेस्ट मुकाबले खेलकर 47 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। जबकि तीसरे गेंदबाज का नाम है शार्दुल ठाकुर, जो अपनी घातक गेंदबाजी से तो गदर मचाएंगे ही और मौका मिलने पर बैटिंग करते हुए भी दिखाई देंगे। शार्दुल ठाकुर लंबे समय बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं और ठाकुर इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। तो भैया, ये थे तेज गेंदबाज जो ऑस्ट्रेलिया की गर्मी मिटाने के लिए काफी हैं। लेकिन अगर कंगारू फिर भी नहीं मानते हैं, तो भारतीय टीम के पास स्पिन का ब्रह्मास्त्र मौजूद है। चिर पटेल और UG चहल की खतरनाक जोड़ी मौजूद है, जो अकेले दम पर कंगारुओं को पवेलियन भेज सकते हैं, जिसमें UG चहल ओवल की पिच पर दहशत पैदा कर सकते हैं, जो अब तक 72 टेस्ट मुकाबले खेलकर 121 विकेट झटक चुके हैं। तो वहीं अक्षर पटेल भी पीछे नहीं है, जो 12 टेस्ट मुकाबले खेलकर 50 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों, कंगारू के खिलाफ MS धोनी के इशारे पर रोहित शर्मा इन्हीं घातक गेंदबाजों के साथ ऑस्ट्रेलिया का रायता फैलाने वाले हैं और रोहित शर्मा WTC की ट्रॉफी अपने नाम करके अपने आप को साबित करना चाहेंगे। तो जनाब, इंतजार करते रहिए इस हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले का। और जाने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें, ताकि आपको क्रिकेट की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।